नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे शाहजहां और उसके इतिहास से जुड़ी खास बातें, शाहजहां के समय में किए गए अहम फैसलों और उनके परिवार के बारे में। साथ ही जानिए ताजमहल कैसे बनाया गया और मुमताज उनकी प्रिय बेगम क्यों थी। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वो एक बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 साल की आयु में नूर जहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से सन 1612 में हुआ। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। 20 साल की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। नूरजहां, आसफ खां और उनका पिता मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासक के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए। शाहजहां के शासन काल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वो शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देख कर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रहती थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वार निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। उसके राजकोष में अपार धन था। सम्राट शाहजहां को सब सुविधाएं प्राप्त थी। जहांगीर के दौर में एतमाउज़्ज़ौला वजीर बन गए। इन्हें एतमाउज़्ज़ौला के बेटे थे खां और इन्हें अब्दुल हसन आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज का नाम मिला। अर्जुमंद की पैदाइश थी 27 अप्रैल 1593 की। बेइंतहा खूबसूरत थी वो, बला की हसीन कहते थे। शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था। उसकी अनहद खूबसूरती शाहजहां को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। शाहजहां और अर्जुमुद्दीन की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात, 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम शाहजहां का शुरुआती नाम की सगाई हो गई। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निखा हुआ। निखा के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमंद की 19 साल और 1 महीने उम्र थी। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमायर तुर्जुक ए जहांगीर में यूं किया है कि मुमताज अकेली बीवी नहीं थी। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी, तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वान दरी बेगम से हो गई। वो सियासी कारणों से करवाया गया रिश्ता था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से करता था। अर्जुमंद यानी मुमताज की बुआ थी मेहरू निसा, जिनकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मशहूर हुआ। शाहजहां के समय जो लिखा गया, उन्हें सोर्सेस के मुताबिक अर्जुमंद काफी दयालु और उदार थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मोहर दे दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते थे। वो विधवाओं को मुआवजे भी बांटा करती थी। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते, मुमताज साथ होती। बहुत कोशिश की, लेकिन मुमताज को वो बचा नहीं पाए।
मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं था। दोनों के 16 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिकोह और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी थी शाहजहां के साथ। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती उन्निसा ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे के एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा तय किया। शानो शौकत। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में भी थे। शाहजहां का दरबार सरदार सामंतों प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था वो अपने को धन्य मानते थे और लोगों की दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों को दरबार में जाने का सुयोग प्राप्त होता था वो वहाँ के रंग ढंग शान शौकत और ठाट बाट को देखकर आश्चर्य किया करते थे। तख्त ताऊस शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। मनसब व उपाधि। 1606 ईस्वी में शहजादे खुर्रम को 8000 जात एवं 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसम खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम जो बाद में मुमताज महल से हुआ जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमाने की उपाधि प्रदान की। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगरा में उसके शव को दफना कर उसकी याद में संसार प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। शाहजहां के प्रारंभिक सफलता के रूप में 1614 ईस्वी में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय को माना जाता है। 1616 ईस्वी में शाहजहां द्वारा दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर उसे 1617 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। सिंहासन के लिए साजिश। नूरजहां के रुख को अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहां ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया जिसमें वो पूर्णतः असफल रहा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को ये निर्देश दिया कि वो शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दे जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दक्षिण में था। अंततः उसके श्वसुर आसफ खान ने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। आसफ खान ने शहयार दाबर बख्श गुरु सस्प होशंकर आदि का कत्ल किया। राज्याभिषेक। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-सानी की उपाधि के साथ किया गया। विश्वास पात्र आसफ खां को 7000 जात 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया। महावत खां को 7000 जात 7000 सवार के साथ खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया गया जहां
1665 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के समय में हुए विद्रोह। लगभग सभी मुगल शासकों के शासनकाल में विद्रोह हुए। शाहजहां का शासनकाल भी इन विद्रोहों से अछूता नहीं रहा। उसके समय के निम्नलिखित विद्रोह कुछ प्रमुख थे। बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से लेकर 1636 ईस्वी। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सा धन एकत्र किया। एकत्र धन की जांच ना करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। 1629 ईस्वी में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। लगभग 5 साल की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चेरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह ये विद्रोह 1635 ईस्वी में समाप्त हो गया। चप्त राय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्षों को जारी रखा। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में 1630 से 1632 दक्कन एवं गुजरात में भीषण अकाल पड़ा, जिसकी भयंकरता का उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। शाहजहां के शासनकाल में ही सिख पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। वजीर खान, इस फतेह सिंह से भी आज तू हारेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इतिहास के पन्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।